Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण। विकास कार्यों से कोसो दूर ग्राम पंचायत बंदरेटा विकास के नाम सरकार को चूना लगाने का काम किया गया। ग्राम पंचायत बंदरेटा के जिम्मेदारों ने, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत में दो रेगुलर कर्मचारी नियुक्त किए हैं, जिनमें सचिव व रोजगार सहायक सचिव, जो कि यह भी अब पंचायत अपना कमीशन लेकर जनपद के सीईओ से सांठ गांठ कर पंचायत के निर्माण कार्यों में पलीता लगाया, जबकि आधे से ज्यादा विकास कार्य जिम्मेदारों ने पहाड़ों पर कराया। गौरतलब है, पंचायत पिछले 3 माह से पंचायत सचिव व रोजगार सहायक अपनी ग्राम पंचायत नहीं आए। अगर ग्राम पंचायत भवन की हालत देखें तो करीबन 6 माह से खुला ही नहीं और ना ही साफ सफाई हुई है। इतनी ध्वस्त व्यवस्था ग्राम पंचायत की इससे पहले भी जनपद सीईओ से रक्टा क्षतिग्रस्त होने पर ही शिकायत की थी, जिसके बाद में जनपद सीईओ द्वारा उसमें सुधार करने का आश्वासन दिया था। आज आप पंचायत में बनी इस हफ्ते की हालत देख सकते हैं। पूरा टूट चुका है और अब टाइम ही नहीं, ग्राम पंचायत बंद रहते में आज से 7 साल पहले हुए सीसी निर्माण कार्य में भी केवल 1 साल चलकर ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं अगर आज की कगार देखें तो ग्राम पंचायत में गहरे गहरे गड्ढे व कीचड़ ग्राम पंचायत की सड़कों में डली हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत के सचिव व रोजगार सहायक से बोला, लेकिन उनके द्वारा केवल आश्वासन देकर ही छोड़ देती है, जबकि जमीनी हकीकत में ग्राम पंचायत में गहरे गड्ढे एवं कीचड़ से लेकर गांव की नालियां पूरी तरह चौक है। गांव में बनाई गई चेक डैम केवल कागज में ही बनकर रह गई है। मनरेगा में रोजगार सहायक सचिव से मिलकर कराई गई फर्जी निर्माण कार्य भी पूरी तरह फर्जी है। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में लगाए जा रहे मटेरियल बिल भी पूरी तरह फर्जी है। ग्राम पंचायत ने कराए गए आज निर्माण कार्य केवल कागजी निर्माण कार्य ही बनकर रह गए हैं, जबकि धरातल पर अगर देखा जाए तो आज की तारीख में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा।